हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूं आप सबों के बीच में एक और नई वायरल वीडियो को लेके। एक संथाली स्टूडियो वर्जन सॉन्ग बहुत जोरों से वायरल हो रही है। अगर अब तक आप लोगों ने उस गाने को सुने नहीं हो और एंजॉय नहीं किया तो जल्दी करें भाई। और देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के लोग पुष्पा मूवी के रंग में रंग गए हैं। उसमें हमारे संथाली के सिंगर भी पीछे नहीं रहे और अब सबको उसकी एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ, साउथ वर्सेस संथाली। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ आप सबको। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और ये छोटी सी बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि मैं जब भी ऐसी छोटी छोटी वीडियो डालूंगा तो आप सबके बीच में सबसे पहले आती रहे। ये रही पुष्पा की एक छोटी सी झलक। यही एक मूवी है जो पूरे भारतवर्ष में सर चढ़ के बोल रही है। और ये रहा पुष्पा मूवी का संथाली सॉन्ग जो सबसे पहले आया था, और उसके बाद जो अभी आई है ये रहा डिस्प्ले में भी उसका सॉन्ग के बोल। साब में न्यू संथाली स्टूडियो वर्जन सॉन्ग 2022। और रही बात सिंगर की, तो सिंगर का नाम है आरसू मुनी बास्के और भागवत। अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना हो तो मुर्मू बास्के प्रोडक्शन में जाके फुल वीडियो एंजॉय कर सकते हो। लिरिक्स आरसू मुनी बास्के और म्यूजिक डायरेक्टर चंदन बास्के, और इसका रिकॉर्डिंग सीबी स्टूडियो बारीपादा में की गई है। और कुछ फुल डिटेल्स अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मुर्मू बास्के प्रोडक्शन में जाके देख सकते हो और साथ में वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हो। और एक बात, साउथ और संथाली में आपको दोनों में से कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे पहले सोशल मीडिया पर और एक वीडियो वायरल हो रही थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, जिसका नाम था कच्चा बादाम। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, ले लो कच्चा बादाम। Wait a minute, रुको जरा, सबर करो। बोला था धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये रहे संथाली के कच्चा बादाम। और अगर आपने इसका भी फुल वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो सिप्रा फिल्म एंटरटेनमेंट में इसका फुल वीडियो देख सकते हो। अगर आपको कच्चा बादाम का संथाली सॉन्ग सुनना हो तो ये वाला आप गाना सुन सकते हो, और इसका फुल डिटेल्स यहाँ पे भी हमने दी रखी है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मेरा ये वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसका कोई गलत मतलब ना निकाले। और तब तक के लिए जोहार। और ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देने का।